फिल्म जीरो में नजर आए शाहरुख खान लंबे समय से पर्दे से दूर हैं। हाल ही में टेड टॉक सीजन टू इवेंट में पहुंचे शाहरुख ने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। उन्होंने इवेंट में कहा कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जल्दी अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। आखिर कैसा रहा शाहरुख खान का टेड टॉक सीजन टू का लॉन्चिंग इवेंट, आइए देखते हैं इसकी झलक। So thank you everyone, we are ready to get your questions, and just to get the ball rolling, I'll put one to Shahrukh. Shahrukh, season one to season two, one big change that you noticed? One was of course having to do it in two languages, I think. Twice the work, right? Yeah. And we're going to discuss the pay and all later after this. And I didn't give you the dubbing rights either. You know that, right? I'm going to sue you right now. That's okay. Right. No, it was great fun. I think all of us, most of the team and Juliet, everybody was present even on stage. I think we started owning it a little more. Shahrukh, aapse sawal hai. Is baar TED Talk se aapka kya experience raha aur takeaway kya hai? And you always inspire us. To aisa koi speaker hai jo jisne aapko inspire kiya ho ya koi aapka favorite speaker raha ho? ये थोड़ा कठिन सवाल है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, दे आस्क मी फॉर माय फेवरेट स्पीकर, आई गेस दैट यू अंडरस्टैंड दैट। क्रिस को भी हम हिंदी सिखा देंगे, दे विल टीच यू हिंदी आल्सो बाय द टाइम यू आर डन विद दिस। आई थिंक इट्स अ लिटिल, थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है ये जवाब देना, क्योंकि मैं बहुत सच दिल से कह रहा हूँ, मैम ने भी पूछा सवाल, आई थिंक नई बात से ज्यादा लोगों को प्रभावित अच्छी बात करती है। अच्छी बात मजाकिया हो सकती है, अच्छी बात गवैया हो सकती है, अच्छी बात नचैया हो सकती है, अच्छी बात गंभीर हो सकती है। आई थिंक एंटरटेनमेंट के सिर्फ दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, या तो हंसाए खिलाए एंटरटेन करे, या दूसरा एंगेज करे। एक्चुअली दैट्स व्हाट वी ऑलवेज फॉरगेट व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो कंटेंट व्हिच विल होल्ड अस। सबसे यादगार पल शाह साहब अगर आप बता पाएं जिससे इमोशनली आप कनेक्ट हुए हों इस शो के दौरान। एक्चुअली बहुत सारे हैं जो हॉट स्टार पे आते रहेंगे। वी मेड लिटिल स्निपेट्स यू नो एट द एंड ऑफ द शो। आई वोंट से एंजॉय इज द रॉन्ग वर्ड, बट आई रियली फेल्ट लाइक डूइंग इट इज बिकॉज समवेयर बहुत बारी व्हेन आई डिड अ शो देयर वर सो मेनी फीलिंग्स व्हिच ओवरवेल्म मी और थॉट्स और इवन इमोशंस। साके आई एम फ्रॉम सूरत, कौन से टॉक से आप इन्फ्लुएंस हुए जो शो के शूट होने के बाद भी आपके साथ रहा? मुझसे यह सवाल यहाँ पर पूछा गया, थोड़ा अनफेयर है, बहुत सारी टॉक्स हैं जिससे मैं इम्प्रेस ही नहीं, बहुत मेरा जिंदगी में बदलाव भी आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी टॉक्स हैं जब वो बात करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है इस बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ। मेरा एक सिनिकल एटीट्यूड है, वी ऑल हैव आवर ओन रीजंस फॉर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू, वॉक्ड ऑन दिस पाथ व्हेन दे टॉक अबाउट इट, बट जेनेरिकली दैट आई कैन टॉक टू यू और मैं आपको बता सकता हूँ। मेन बात यह है कि बहुत छोटी छोटी समझ, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस शो इज यू नो समटाइम्स वी सिट एट होम एंड वी से अरे यार इफ इट वॉज लाइक दिस, एवरी आइडिया दैट कम्स टू यू हाउ एवर मिनिस्क्यूल एंड स्मॉल इट इज, कितना भी छोटा हो कितना भी साधारण हो, एक्चुअली आइडिया का जो स्कोप है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहां तक लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम रियली सॉरी, वी विल हैव टू ओके प्लीज गो। हाय रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज। शाहरुख आपकी आखिरी फिल्म दिसंबर में आई थी पिछले साल जीरो, उसके बाद काफी रूमर्स आए कि आप ये फिल्म कर रहे हैं वो फिल्म कर रहे हैं, आपने डिनाई भी किया, अब सब फैन जानना चाहते हैं कि आपकी अगली फिल्म कौन सी होगी, इसके बारे में क्या जल्द ऐलान सुनने को मिल सकता है हमें? एक्चुअली आई स्पोक टू संजय गौरव एंड उदय एंड आई सेड दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई वांट टू अनाउंस इट, यही आऊंगा और यही सबको बताऊंगा। और अब देखिए मेरी अगली फिल्म, आने वाली फिल्म का ट्रेलर। Isn't it TED Talks the movie? मैं अभी यार सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, I'm working on 2-3 scripts and inshallah as soon as they are ready I'm ready because most of the people I'm working with are busy, so main inshallah khud announce karunga aur jab tak rumors jitne chal rahe hain some of them have given me ideas, yeah there was one film people said I'm going to do Tarzan and Jane
वो ताजन का रोल करने के लिए मुझे बहुत दिल किया बट या आई थिंक इंशाल्लाह अनदर मंथ और टू आई विल फिगर आउट द टाइम एंड एवरीथिंग एंड देन डू इट थैंक यू ओके थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस